ऐठत भाव तो अगेन है तुम यार काम करवाओ बाकी बात ऐठत हो रहो हमरे का काम करवा लो तू का करवा रे भैया नुकसान हो गया अरे हमारा 3,56,000 बोलो आदमी आदमी तो पिछले 48 घंटे से हो रही घनघोर बारिश की वजह से हमारे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जहां तक नजर जाती है तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। ताल तलैये नदी नाले अपने पूरे उफान पर आ चुके हैं। पानी इस कदर बरसा कि लोगों के घरों तक घुस चुका है। तो इसी सबके बीच इस पानी से हुई तबाही का मुआयना करने के लिए हम निकल पड़े ये देखने की इस पानी ने हमारे खेत खलिहानों में किस तरीके से तबाही मचाई हुई है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सैलाब के इस मंजर को मैं आपको एक अनोखे अंदाज में दिखाने वाला हूं। ये देख रहे हैं ना जो बांस गड़े हुए हैं, यहाँ पे लोगों ने धनगर की गेड़ कर रखी थी, मतलब धनगर की पौध कर रखी थी, और देखिए पूरी पानी में डूब चुकी है। क्या कहना चाहते हैं इतना पानी बरस गया है? अरे क्या कहते हैं पौधों को नुकसान हो गया, मनोज मास्टर मर गए, मनोज मास्टर मर गए, नुकसान हो गया, पानी लगा रहे मना उनको सही करो था। अच्छा तो आपका कितना नुकसान हो गया? अरे हमारा 3,56,000 3,56,000 ओ माय गॉड 3,56,000 के आदमी ऐसे ये फटे पुनारे कपड़ों में घूम रहे हैं। ये साहब नंगे ठाट है, नंगे ठाट है, नंगे ठाट है। 3,56,000 वो भाग रहे हैं वो है? अरे पानी बचियो साहब, पौधे सब चलेंगे, अभी जगह पे गैया आ रही है। सड़क होती थी, अब देखिए सड़क नहीं है, सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। क्या कहना चाहते हैं? आपकी पूरी गेट डूब गई। जबरदस्त पानी, इतना जबरदस्त तूफान है, हाँ। क्या बताया जाए भाई, इससे नुकसान है आपको या फिर फायदा है? नुकसान ही नुकसान है, फायदा क्या है? पानी से लवा लो भर चुका है, भयंकर सैलाब हमारी वाली का भूल। चलो अब थोड़ा सा हल्का हो लिया जाए, इधर जाके थोड़ा कर लिया जाए। अरे तुम कहाँ है रे पीछे पीछे भाई? हमें देखता है परे। अरे हगे तो लेंदे सही थे। हमें देखता है परे। कितना डर? डर ना ही हम बता रहे, फेंक दिया जाए मैं। फेंक दियो पापा, तेरी सारी सवरी जान पत पत छोड़ो तो मुंह बस बर्बाद हो गए। हाँ। ये देखिए भयानक मंजर है, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ को अरे तो बता रहे लोगों ने यार। हाँ तुम जाई बाबा बोलो। हाँ जय भाषा बोले। हाँ तो तुम क्या दिखाओ, चाहे दिखाओ ना जो पना रहे पानी निकल रहे हो यार, तुम्हें मूर्ख रहे हो। पानी नहीं निकल रहा, पनारे चल रहे उधर वाले, इधर वाले आ रही। देखो हम जाओ तुम्हें फेंक दे। मैं तो अब हम मेरी कोई आदमी हो रहे जाके मतलब काम डरा रहे तुम पर। ये देखिए यहाँ किस तरीके से भयंकर झरने चल रहे हैं। ये देखिए पानी एक बार तुम फिर अंग्रेजी बोलने लगे। अंग्रेजी का बोल रहे यार, बता रहे झरना नहीं चल लो जो झरना चलो मेरे कटी तब पानी निकल रहा हूँ, दिखाता नहीं अंदे ऊपर। अरे तुम तो यार तुम्हारी अलग न्यारी गई है रात। अलग अलग का हम कह रहे यहाँ जो ऋषिकेश का झरना चल रहा है, ये देखिए खेतु झरना ना जब फतेहपुर को झरना है। अरे बोलबो सीख लो ऋषिकेश हो तुम अपनी अंग्रेजी बोलो, मैं हिंदी में बात कर जानती की ना है। हाँ ठीक है जब तुम फतेहपुर को झरना। हाँ देखिए कितना भयंकर सैलाब, बोलन तो देने अपनी ऑडियंस बता दे यार। देखो ये पानी भर चुका है ऑडियंस, देखिए पूरी तरफ, और फिर से बादल हैं बरसने को तैयार हैं। अभी ये बंदा भीग जाएगा पूरा। हाँ बाबा तो क्या कहना चाहते हैं अभी ये भयंकर बरसात हुई है इसके बारे में? बिल्कुल खुल जा। अब इस पानी से आपको खुशी हुई है या फिर आघात पहुंचा है? खुशी का हमारा तो नुकसान और हुई हो। क्या नुकसान हुई हो? मूंगफली बीजी, मूंगफली सब बीज सत्यानाश हुई हो। कब ना बीजी है थोड़ी बहुत, मतलब एक हिस्सा बीजी, 3 हिस्सा, एक हिस्सा। हाँ तो बाबा का बहुत नुकसान हो चुका है। तुम्हें खाली का नुकसान हुआ कछु, तुम तो खाली वीडियो बनाए में परी रात। तुम क्या है ये बीच में तुम्हें कौन लगा? बाबा है हमारे, बाबा तो और कछु नहीं पूछ सकते, अपना वीडियो ही बनाते रहते हो। ये देखिए हम समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, क्या मस्त नजारा है। इधर देखो जो समंदर ना है यू कल पानी बसो वो खेतन मरियो बस कतई से रही हो का। अरे ये समंदर है यार ये भयंकर पानी बरसने की वजह से ये पूरा खेत पूरे लबालब भर चुके हैं।
अब हमारे छोटे पांडा आ चुके हैं। छोटे पांडा जी, कितना नुकसान हो गया तुम्हारा? अरे भैया कल हमें नींद ना आए, पर 20 बीघा गेड़ भाई हमारी सबरी। तुम 20 बीघा खेत लो है? अब कहा है ना, चलो दिखाए ना, चलो जो देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ जो तुम्हारी खेत है। गेड़ भैया देखो जा। अच्छा जब गेड़ तुम्हारी थी और किन की थी? तो बर्बाद हो गई सब। और कहा कम से कम 20,000 नुकसान हुई हो तुम्हारो। और कहा हाँ बघेल फूफा क्या कहना चाहते हैं? अब बताओ जाओ, मैं इतने इतने पानी भरो पौध हुई है। अरे वो तो भगवान है, उन्होंने पानी दिया है। हाँ भगवान ने दो बताओ जाओ, हमारी पौध कैसी इतनी इतनी बड़ी बड़ी हुई है थी। हाँ हाँ, और सब चली गई। सब तुम्हारी खेत है। और कहा सरकार से क्या इनको मुआवजा दिया जाए? ये पूरा इनका खेत का नुकसान हो गया है, हमारे छोटे पांडा का। दो बीघा हुआ भाई पौध। तो अभी हमारे एक बड़े भैया आए हैं जीतन लाल, जो कि कम से कम 50 बीघे काश्तकार हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भैया क्या करें, सब फसलें बर्बाद हुई। तो योगी का कहो चाह रहे तुम? योगी का पानी निकला रही है, मुआवजा दो भैया, जब पौध सब डूबी। तो योगी पानी निकल रहे हैं? योगी ना निकले, कोई व्यवस्था बताए कैसे निकलेगा? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कहेंगे योगी महाराज से कहेंगे हम। भैया मुंबई देगा इतनी सब भैया सब भैया सब भैया लगाए भैया सब भैया का करे उनकी मुंगली लूटा ले। 25 बीघा ले दादा ही ले, ठीक है ठीक है। जा रहे अब हम, जा रहे खा ले, तुम्हें खा ले। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, ये देखिए। हाँ? ये क्या कर रहा है? खतरा ही मूत रहा हूँ, पानी और बढ़ा दिए जाता गाँव ये। अरे तो वो गंदा पानी है। तो गंदा आजा कौन दुखा पाई है? अच्छा तुम यार हर जगह का उंगरिया करवे के लिए आई यार। उंगरिया ना करे तुम्हारी ब्लॉक जाना बनाते ना ब्लॉक लोग जो हमें समझ में नहीं आती लोग ब्लॉक वड्डी वड्डी अभी काका बनाते अब एक मूतन नहीं दे रहे चैन अब एक मूतन नहीं दे चैन देखो ये हम पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हमारे गांव में मतलब हम अपने जनता को दिखा रहे हैं कि जो पानी है अब जैसे कि जिद रहे आएंगे अब इन्हें पकड़ का। तुम्हें पक्का डिल्लाडॉन को खतरनाक लॉन्डो से मेरा सामना हो चुका है। लॉन्डो के ना बोलो आदमी डिल्लाडॉन। हाँ ये खतरनाक डिल्लाडॉन, अभी डिल्लाडॉन को एक डिल्ला मार के नीचे गिरा देंगे तो ये अभी कौ करेंगे। तुम्हारे घर की तलैया है या दिखा रहे पूरी भर चुकी है तलैया यहाँ बगल में, पूरा पानी भर गया। हाँ बताइए, इधर बताइए, चलिए स्विमिंग पूल बनियो। पूरा ये घर है, ये घर है, ये देखिए हाल देखिए, ये स्विमिंग पूल बन चुके हैं। यहाँ घर है भाई साहब, देखिए चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है आपको। बस 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 दांदर हो गया। हटो कर का कहो चाहे रे कहो चाहे पानी बस पानी गिरो तुझे कर कर का आवाज आ रही है? बहुत सारे का आटो का नुकसान कितने हुई हो? अरे ना देखो डोकर सब मट्टी चली गई बह गए, जा देखो पूरा कटी हो वह लगी जाए तलैया, तलैया देखो जा दिखा रहे हो। हम जा रहे हैं अपने गांव की तलैया देखने के लिए, 30 साल के बाद ये तलैया भरी है ऐसी, क्योंकि 30 साल से पानी ऐसा बरसा ही नहीं तो तलैया भरी नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने तलैया के पास, ये देखिए पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारा तालाब है, मतलब इतना गहरा है आप सोच नहीं सकते। इसमें 3 हाथी एकदम खड़े कर दो तो डूब जाएंगे भयंकर। देख रहे हैं कितना भयंकर, ये जो स्ट्रेटर की आवाज आ रही है ना, ये सब मिंडक की आवाज है। ये देखिए दरारें दिख रही होंगी आपको, ये देखिए मोटी मोटी दरारें, ये कभी भी ये है। इसको हम तलैया बोलते हैं, पूरी भर चुकी है, इसमें पत्थर फेंको। गांव की तालाब तलैया कहते हैं जिसको, झपा झप भरी हुई है। हमारे गुड्डू चाचा का खेत,
जैसा अब ये समंदर बन चुका है चारों, मंदिर की छत पूरी भर चुकी है, पानी बह रहा है यहाँ से झपा झप, खड़ूस आत्मा निकाल रहा है पानी। ये राम मंदिर है, इसकी छत पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या पानी भरा है वहाँ पे नहीं। और भैया देखो पूरी छत भरी है, ये पाइप ब्लॉकेज होने की वजह से पूरा पानी भर चुका है छत पे, बिल्कुल साफ पानी है पीने योग्य, पूरी छत भरी है लबालब। ये खड़ूस आत्मा खड़ा है, ये हमारा राम मंदिर है और राम मंदिर की छत पे खड़े हुए हैं हम। ये हमारे तहसीलदार बाबा, इनका दुख अलग ही लेवल का है। आप बताएं खुद अपन, मुझे बताइए क्या हुआ आपके साथ? अरे हम तो बर्बाद हुई साहब। बर्बाद हुई कैसे? अरे वहाँ 4 बीघा का भूसा जो है वो जैसे मेढक तैर देता है वो तैर तलकर भर हुआ है। इन्होंने फ्री की जमीन सोच के यहाँ तलकर बना था हमारे गाँव में, उसमें इन्होंने अपना भूसा रख दिया 4 बीघे का। और अभी दिखाएंगे आपको भूसे का क्या हाल है ना। हाल का मतलब जो है कमरे 25,000 रूपए भूसा था, 25,000 रूपए का, इनके 25,000 रूपए पानी में उतरा रहे हैं, कहते हैं पानी में भादिए इनके गए 25,000 रूपए पानी में बह गए इनके। हम आ चुके हैं तहसीलदार साहब के तलघर में जहाँ उनका भूसा डूब चुका है, बताइए साहब। अरे देखो 7 लाख रूपए लगा के तलघर का निर्माण किया था, हमने मकान में भूसा भर दिया था। अच्छा, कम से कम 25,000 रूपए का भूसा नीचे भरा है, अब देखो बर्बाद हो गया। ये तलघर है, मतलब कि नीचे अंडरग्राउंड कहते हैं जिसको, और इसके हालात देखिए आप, कम से कम ही होगा कितने 12-13 फुट गहरा होगा, 10 फुट गहरा है देखिए। अब यहाँ स्विमिंग पूल का निर्माण हो चुका है, यहाँ स्विमिंग पूल आराम से नहाइएगा इसमें मस्त। और तहसीलदार साहब के दिल पे बीत रही है आज, बहुत दुखी है ये आज। दुखी क्या, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारी फरियाद सरकार के पास ना पहुँचे तो अन्य लोग भी पहुँचा दे, जो हमको कुछ अनुदान दे दिया जाए जिससे हमारे जानवर तो आके जीवित बने रहेंगे। आपका गरीब हो, गरीब ना कर रही था। तहसीलदार साहब तहसील के मालिक, 12 लाख रूपए लगाकर यहाँ तलघर बनवा सकते हैं, तो आप कौन हिसाब से करेंगे? हाँ सही बात है, देखेंगे नीचे क्या हाल है इसका, अंडरग्राउंड बनवाया है मतलब अभी। ओह माय गॉड, ओ चले जाए झपट नीचे जा, मैं बैठे है मुर्गा जैसे ही नहीं जान लो चले करेंगे। ये झाले जिनकी तैर रही है, ये देख सकते हैं तो ये इनकी झाले कैसे तैर रही हैं यहाँ पे, और उसके साथ इनका धैर भी तैरता हुआ, बहुत दुखी है। धैर बिल्कुल टूट चुका है, टूट चुका। अब आप लोगों से अनुरोध करेंगे सरकार से हमारी फरियाद पहुँचा दें। बिल्कुल पहुँचाएंगे, बिल्कुल पहुँचाएंगे। हम तो पहले बोले थे तलघर में पानी भरेगा लेकिन किसी ने माना नहीं, और ये देखिए पीछे का तलघर का नजारा, स्विमिंग पूल से कम नहीं, यहाँ भी काफी गहरा कट्टा है। और वहाँ देखिए ये पूरी दिखा रहा है ना आपको, ये अभी ये देखिए यहाँ से आगे इतना पानी भरा हुआ है कि जाने का भी रास्ता बंद है, चप्पल उतार के सभी लोग जा रहे हैं। इतनी पब्लिक है हमारे साथ, सब बच्चा पार्टी है। ये है छोटा डॉन, क्यों छोटा डॉन हो तुम? माँ छोटा डॉन, हाँ माँ छोटा डॉन है ये। तो अभी हम इस नदी में तैरते हुए जाएंगे, अभी आप लोग देखना। ये हमारे उत्तम बाबा की उंगली है, सारी डूब चुकी है, यूपी के निकल चुके हैं। चप्पले बेच रहे का पानी, अरे पानी चप्पल सपना मीसो भूल हो गया, 9 रुपया एक चप्पल, 9 रुपया जोड़ी। अब दादा हाँ कैसा लग रहा है ब्रो? भैया मर गया और नहा ले, ये देखो मिंडे की तरह पड़े हुए, जल मछली, ये बच्चे बड़े मजे कर रहे हैं भाई। तो ये देखिए कितनी भयानक रूप से भर चुकी है हमारी माड़ी। पिछले ब्लॉग में आपने देखी होगी ये छोटे छोटे तालाब के टुकड़े बने हुए थे, इसमें कुछ कुछ पानी था। आज देखिए कितना भयानक मंजर है, इसको देखा होगा आपने सी में, ये छोटा डॉन। हाँ जी, तो आज माड़ी दिखाइए आप। अरे बाबा कहा जा रहे, चले जाए झापे, ये ना हाँ ये बताओ ये पानी कितना भरा हुआ है, कहाँ कहाँ से चल के पानी आया ये? चलो फिर बताएं। नहीं आगे नहीं यार, पानी भरो ही जब देखो पूरा ये लालपुर भातपुर, ये देखो ये कजोर रहे कहा हुई हो टूटी हाँ
तुम लोग पिछली मार तो हम पे उड़ रहा था। अरे तुम पे उड़ रहा है यार। हाँ तो भैया देखो यहाँ पूरे मौजा को पानी मतलब इकट्ठो हुई है। अच्छा अब हम यहाँ पकड़ रहे हैं मछलियाँ तो रात भर यहाँ पानी बसो ताकि मारा जो सबरो पानी जाए तलाई में घोदियो है। तलाई है ना माड़ी है यार कहे वो पीगले माड़ी का एक समंदर होए जाजंत। हाँ समंदर तुम यार एठत भाव तो अठे ना तुम यार काम करवाओ बाकी बात आंठा तो रहो। हमरे का काम करवा लो जो का करवा रहे। अरे ना काम ना तुम बताओ यार तुम बता तो बता रहे यार संवाददाता हो तुम संवाददाता। हाँ हाँ देखो तो भैया इधर देखो ये कैमरा जा जो पूरो समंदर है एक तरह को तो ठीक, अब ठीक। हम जा पकड़े मछलियाँ मछलियाँ पहले डारो तो है रही हूँ ऊपर टपक पड़ी जाना होता नहीं चली डादी तुम्हें बहुत जल्दी तुम खाओ हम तो खाए फोन पकड़ा नहीं डुबकी मार देते डुबकी तो देखो भैया मछलियाँ पकड़ बाकी बाद आराम था नहीं जो बढ़िया बने एक भाई राहु करे अब नहीं जाए या डूब जाए आगे देखो हिले तो पानी भरो पूरो क्या पानी भरो जाना तो नहीं चलता यहाँ तो मैं दिखाई सांप को बेल कहाँ है सांप को बेल दिखाते नहीं कितना भारी हो वजह कर वाले को जाओ। हाँ जाए हमारे सबसे बड़े जगह तुम्हें दिखाई दे तुम्हें सांप दिखाई दे तुम सांप जैसे तही धकल जा गिरगेटा जैसी गिरगेटा जैसी इतनी दम तुम्हारे जैसे छह टांग नहीं है ऊपर चलो 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 काम करो हेलो भैया हम तुम्हें सांप दिखाई दे ये तुम्हें असली माड़ी दिखाने चला है आओ देखो कोई भी खचा खट भरी बा और देखो अच्छा भाई माड़ी है जाम हमने तो पटकी मारी हमने मारी थी हमने तुम्हें मारी ये देखो जो स्विमिंग पूल जो हमने खुदवाओ थे लेकिन हम पे इतना रुपया ना जो जाए भर लेते तो जो बरसात भाई भगवान ने कही जमा हम दिए तो भर दो हम जाम झपक था नहीं वो तो हमने रिटायर कर दो चले जाए जाए गप कूदना चाहिए कहते हैं गप गप कहते हैं ना चले जाए तुम्हें आओ गप करवा दिए जाए हमारा स्विमिंग पूल हमें कतई नहीं डर रहे स्विमिंग पूल का पूरा आनंद उठाते हुए तुम जा यार हम चड्डी ना बने जाएंगे हैं चड्डी ना बने यार घरे मार भरिए ये फोन भी पानी के साथ में बह के आ गया ये देखिए ये पड़ा हुआ है देखिए ये पानी में ही पड़ा हुआ था अभी मेरी नजर गई तो मैंने कहा आपको दिखाया जाए ये देखिए लेकिन ये चल रहा है ये देखिए चलती हुई कंडीशन में फोन है और बह के आया है ये फोन आप सोच रहे हैं यहाँ डाल दिया गया ना ये बह के फोन आया है या तो किसी का गिर गया है या फिर बह के आया है किसी की यहाँ से फोटो भी लगी है देखिए चलती हुई कंडीशन में फोन है एक देखिए स्विच ऑफ होने को यहाँ कुछ बच्चे नहा भी रहे हैं इनको बिल्कुल डर नहीं लगता क्योंकि ये तैरना जानते हैं ये देखिए छोटे हैं लेकिन ये सब तैरना जानते हैं इसकी गहराई का अंदाज़ आप लगा नहीं सकते डर नहीं लगा तुम लोगों को नेकने से हो तुम कूद जाते जाओ तो कहते हैं कूद जाते हो कूद के दिखा जाए मैं आपका बच्चा तैरता हुआ ये देखिए अगर एक बारिश और हो गई तो आपको ये सब कुछ पानी में तब्दील हुआ दिखाई देगा क्योंकि यहाँ तक तो पानी आ ही चुका है ये देखिए ये माड़ी है यहाँ तक तो पानी आ ही चुका है ये माड़ी का और अगर थोड़ा सा भी पानी और बरसा एक बार की और बारिश हुई तो आपको ये पूरा का पूरा समंदर में तब्दील हुआ और ये है हमारे राजेश दादा का खेत इसमें करी थी उन्होंने मूंगफली अब मूंगफली का हाल देखिए आप आधे बीघे की मूंगफली तो माड़ी में बह गई और ये देखिए कितना गहरा गड्ढा हुआ है यहाँ पे वो भी देखने आएंगे तो उनके हो थोड़ी आएंगे धीरज दादा देख लो इसको क्या हाल हुआ है आपके खेत का ये देखिए यहाँ पैर घुस रहे हैं पूरे ये देखिए एक बार में घुस जाते हैं ये देखिए पानी बहुत दूर दूर से मूंगफलियाँ यहाँ उतरा रही हैं जिसको जितनी खानी है खा लो ये देखिए ये लगी हैं अभी सजियार आ गए हैं मूंगफली के ये देखिए अभी इनसे बात करके देखते हैं ये है इस खेत के सजियार तो क्या कहना चाह रहे हैं आप अरे हम ये कहते हैं ये बर्बाद हो गए ये जो है पानी बरसा ये मूंगफली जो है दो चार पैकेट चली गई है अच्छा। और यहाँ मेहनत करते हैं ये दंदल हो गया है दंदल ये, हो गया हाँ ये बम्बा सा हो गया है खाड़ा सा हो गया है दंदल हो गया है अब तो आप तो बीडीसी हो आपको क्या तकलीफ और बीडीसी तो है सजियार सवेरे फोन किया था कि इधर मूंगफली देखा हुआ है मूंगफली देखे घर देरी तक जो है द्वारे तक पानी लगा है उधर बच्चा लाएंगे देखेंगे तो देखेंगे तो अब हम आए हैं पहले तो, देखिए बहुत नुकसान हो गया नुकसान हो गया पौधे भी डूब गई हैं पौधे दोबारा बवाई जो है लेना पड़ेगा और भाई तो हेलो दोस्तों हम आए हैं अभी चंबल नदी पर ये देखिए घनघोर बारिश के कारण चंबल नदी का पानी कितना उफान पर है
हैं। ये चंबल नदी नहीं है, हमारे गांव की नदी बन चुकी है चंबल। ये देखिए चारों तरफ बरसात के पानी से ऐसा लग रहा है कि चंबल नदी में आ गए होंगे। ये देखिए बाबा जा रहे हैं अभी खेत से पानी काट के। इस बारिश का आनंद तो ये बच्चे उठा रहे हैं, देखिए यहाँ पर खेल के। तो अभी मैं आया हूँ आम के पेड़ पर आम ढूंढने के लिए, लेकिन नीचे आके देखा तो यहाँ भी पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी है। एक मिनट की यहाँ आम दिखा मेरे को। हाँ ये रहा आम, मिल गया। आम के पेड़ की जड़ें भी पूरी खुल गई हैं, इतनी भयंकर बरसात हुई है। ये देखिए इस पेड़ पर आम बहुत पके पके लगते हैं, काफी मीठा आम होता है। तो आइए चढ़ के इस पे आम तोड़ते हैं, बारिश फिर से होने लग गई। तो दोस्तों अभी हम चढ़े हैं आम के पेड़ पर आम खाने के लिए। ये देखिए सामने आपके आम लटकता हुआ दिखाई देगा, ये रहे सुंदर सुंदर आम। और ये देखिए सैलाब का मंजर, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा आपको, दूर तक आपकी नजर जाएगी तो पानी पानी पानी, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। थोड़ा आम वगैरह खाए जाए फिर। हाँ भैया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब नहीं। हाँ भैया, तो कल ले जाए कछु करे हुए।